वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल lecture-3 में। देखिए हम लोग जो साइंस कवर कर रहे थे, ठीक है, आज साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला पेज कवर किया था, दूसरे लेक्चर में यहाँ से कवर किया था, तीसरा लेक्चर ये है। देखिए विज्ञान संबंधी प्रमुख दिवस वगैरह, तरंग गति, ये सब दूसरे लेक्चर में है। तो आप लोग इस मतलब PDF को कवर जरूर कर लीजिए। ये 94 पेज की PDF है और ये 10 घंटे में करीब आप लोगों को हम पूरी करवा देंगे, ठीक है। तो 10 घंटे में आप लोगों की साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। इस PDF से बाहर कभी भी साइंस नहीं पूछी जाती है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है हमारा। तो देखिए इतना विश्वास कीजिए आप लोग, ये इससे आप लोगों को एक भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग पहुँच करके देख सकते हैं इसमें जो हमने कल पढ़ाया हुआ है। देखिए सारा कुछ यहाँ पर यूज वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर लाइट से बचा था, यहाँ से लाइट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हम पूरा PDF बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये मतलब ज़्यादा अगर पसंद नहीं आएगी लोगों को तो फिर 94 पेज की PDF पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर जैसा बताइएगा कमेंट में तो इस PDF को पूरी पढ़ाई जाएगी। देखिए प्रकाश लाइट से संबंधित है कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जो जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप वस्तुएं होती हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। स्टार लगा लीजिए इसमें, ये हर बहुत एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश तरंग होती है तो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंगें, और ऊपर हम लोगों ने देखा था कल कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो अंधेरे प्रकार की होती हैं। देख लीजिए यहाँ पर ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, तो ये पहली लाइन में लिखा है, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। बर्तनिष्ठ है, प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम रोमन ने किया था, और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यह क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, उसके पश्चात जल में होती है, उसके पश्चात कांच में, और फिर हीरे में होती है। ये चार ऑप्शन अक्सर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका निवारण उपयुक्त फोकस की दूरी अवतल लेंस के का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है। यह आप क्या देखिएगा, दूरदृष्टि दोष में जैसे इसका अपोजिट होता है कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो देख लेता है परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये लेंस पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट जरा दृष्टि दोष। देखिए इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर और नज़दीक दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ये रोग अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है, तो इसके निवारण के लिए डिफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके ऊपर अवतल लेंस तथा नीचे वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। वैसे तो डिफोकसी लेंस तक ही पेपर में आता है, अगर उससे भी ज़्यादा पूछते हैं तो फिर ये पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, जो आपस में जुड़े होते हैं दोनों लेंस। नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। तो इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, इसका निवारण बेलनाकार लेंस के लेंस से होता है। नेक्स्ट लेंस की क्षमता देख लीजिए, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट है देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f होगा, ठीक है। ये होगा व्युत्क्रमानुपाती, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, लेंस की क्षमता। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, ठीक है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। बर्तनिष्ठ यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, दर्पण देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग देखिए, सब प्रयोग बहुत आता है पेपर में, प्रयोग ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रयोग देख लीजिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है उसके लिए यूज होता है ये, ठीक है। ड्राइवर के बगल में सड़क पर लगे अपवर्तनांक लैंप में, ठीक है, परावर्तक लैंप में होता है यूज। और अवतल दर्पण का यूज देख लीजिए, सोलर कुकर में, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने वाले मिरर में, ठीक है। देखिए गाड़ी के जो हेडलाइट होती है आगे की लाइट, उसमें अवतल दर्पण, और जो गाड़ी के साइड में जो
दर्पण लगा होता है जिससे पीछे के वाहन देखे जाते हैं, तो उसमें उत्तर दर्पण, देखिए ये लगा हुआ है, सड़क के साइड लगे होते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है, निष्ठ है, दाढ़ी बनाने में फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है। चिकित्सक, चिकित्सक के क्षेत्र में देख लीजिए, कान नाक गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, किस प्रयोग किया जाता है, तो परवलित दर्पणों का, ठीक है, हेडलाइट में। समतल दर्पण देख लीजिए, समतल दर्पण का यूज, यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, ठीक है। यदि दो समतल दर्पण लंबवत स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं में प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर, यानी कि जितनी भी वस्तु को अगर देखनी है आपको, जितनी भी ऊंचाई की वस्तु मतलब पूर्ण रूप से दर्पण में देखनी है, तो कम से कम उस ऊंचाई का आधे ऊंचाई तक का तो दर्पण होना ही चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट, समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट है कलर, तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, अभी सारे एग्जाम में आते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल रंग की होती है, ठीक है। जब प्रकाश में लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद। जब इन तीनों को समान अनुपात में मिला देंगे तो परिणामी रंग हो जाएगा सफ़ेद। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है तो बैंगनी रंग, ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों को वस्तु ग्रीन दिख रही है तो ग्रीन वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ग्रीन रंग का ही परावर्तन हो गया है, ठीक है, वस्तु पे पड़ने के पश्चात फिर वो अपनी आँखों पे पड़ता है, और बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सारे वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा कैसा, तो काला दिखाई देगा। यदि किसी पीली वस्तु में लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी, तो वह भी काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इंद्रधनुष के किनारे पर रंग होते हैं तो बैंगनी और लाल, एक और बैंगनी होगा, एक और लाल होगा। दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, यहाँ पर देख लीजिए, एक उत्तर दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, आभासी और पार्श्व उल्टा, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। किस दर्पण का प्रयोग वस्तु के अर्वाधिक आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। एक समतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु के किस स्थिति में बनता है, जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होती है। एग्जाम पॉइंट देख लीजिए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका, यह भी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, ठीक है, ये सारे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है जो आधारित है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है, आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देना, ठीक है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से ये है पॉइंट, आसमान का नीला, और यहाँ से यहाँ तक ये एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देता है तब भी काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं, एक सेकेंड, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीला के बजाय कैसा दिखाई देता, तो काला दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि प्रकीर्ण जो वायु के कण होते हैं उन्हीं से प्रकीर्णित होकर जो आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंग दैर्ध्य परावर्तित हो जाते हैं जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल में भरे पात्र में
पड़े सिक्के का ऊपर उठा नजर आना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जल में भरे पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ी दिखाई पड़ना, ठीक है, टेढ़ा दिखाई पड़ना अपवर्तन के कारण। जल का तालाब, ये तीन यूज हो गए, ठीक है, अपवर्तन के। अब नेक्स्ट है, देखिए, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सारे अपवर्तन के कारण हो रहे हैं। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनना वास्तविक एवं उल्टा, जितना भी अपवर्तन के यूज थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग रट जाइए। ठीक है, कम से कम 2 बार या 3 बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग, सारे वीडियो साइंस का आप लोगों को कम से कम साइंस आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन साइंस के नहीं छोड़ते हैं इस पीडीएफ से। ठीक है, मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तो आयरिस करता है। ठीक है, मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस जिस भाग पर बनता है वह है स्पष्ट पटल, ठीक है, यानी कि रेटिना। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण, ठीक है, कि घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की हैं। नेक्स्ट है, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला चश्मा, ये भी पोलेराइड प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरीस्कोप का यूज किया जाता है। अगर पनडुब्बी के अंदर से अगर बाहर की वस्तुएं देखनी है तो पेरीस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से हीट स्टार्ट होती है उष्मा, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारा कुछ रख लीजिए। देख लीजिए, हीट यहाँ पर तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फेरेनहाइट पैमानों का तापमान समान होता है। ठीक है, ये -40 है। नेक्स्ट है, ताप का SI मात्रक केल्विन है। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले ही वीडियो में बताया था, 7 मूल मात्रकों में से एक ताप का SI मात्रक केल्विन भी है। नेक्स्ट है, शून्य केल्विन या -273.15 सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापक्रम पर परमाणु के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है, केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। ठीक है, केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। और स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37, केल्विन पैमाने पर 310 और फेरेनहाइट पैमाने पर 98.6 होता है। मानव शरीर का तापमान मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, केल्विन पैमाने पर शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है, रंगीन कपड़े उष्मा का अवशोषण करते हैं तो अधिक करते हैं और श्वेत कपड़े सबसे कम करते हैं, इसलिए गर्मी में श्वेत कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कोई पिंड उष्मा का सबसे कम अवशोषक करता है जब वह हो श्वेत और चिकना हो। ठीक है, जब कोई भी अगर सतह श्वेत और चिकनी है तो वह उष्मा का कम अवशोषित करेगी उष्मा को। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है तो उष्मा की खराब अवशोषक, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करती वो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अच्छी उष्मा की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला एवं खुरदरा हो। धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग संयोजक कौन सा है तो ऊपर उजला और नीचे काला। ठीक है, धूप से बचने के लिए काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता होती है अधिक होती है। ठीक है, एक काली एवं खुरदरी सतह कैसी होती है तो उष्मीय विकिरण के लिए अच्छी अवशोषक होती है और बुरी परावर्तक होती है। बर्तनिष्ठ है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया? किरचाप का नियम है, ये इंपॉर्टेंट नियम है। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर, ठीक है, आपतित संपूर्ण विकिरण को अधिक अवशोषित कर लेती है तो क्या कहलाती है? वो कृष्णपिंड कहलाती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफ़ी गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल उष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकृत उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देते, जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है, उष्मा संचरण हीट
ट्रांसमिशन देख लीजिए। हीट ट्रांसमिशन की तीन विधियाँ हैं, मुख्यतः चालन, संवहन एवं विकिरण। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट, सब में स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो संवहन से होता है। ठीक है, देखिए ठोस में चालन विधि से और गैस एवं द्रव में संवहन विधि से। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से, ये तीनों विधियाँ हो गई। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु होगी तो गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोस एवं ध्रुवों में होती है तो सबसे अधिक, सभी ठोसों एवं ध्रुवों में सबसे अधिक होती है। ठीक है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है तो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक का संबंध है निम्न ताप से। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है लकड़ी, कांच, वायु, ऊन आदि। ठीक है, पारे में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। ठीक है, थर्मामीटर में पारे का ही यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाने में संबंध क्या होता है, तो के बराबर सी प्लस 273। ऐसे पदार्थ जिसमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, अतिचालक पदार्थ। ठीक है, जल के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होगी। देखिए, आयतन घटेगा कब, 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। फिर जैसे जैसे ये 4 से 10 तक जाएगा तो आयतन बढ़ने लगेगा, इसलिए ऐसा बोला गया कि पहले घटने के बाद फिर वृद्धि होती है। बढ़ते नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, बहुत बहुत पूछा जाता है थर्मोस्टेट, स्टार लगा लीजिए। थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखना, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। ठीक है, यानी कि वाष्प की जलन ज़्यादा गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, तो केवल आर्द्रता तथा तापमान। ठीक है, ये सारे देख लीजिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पे, पूछे तो सभी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु एवं फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्म करने पर तरल पदार्थों का घनत्व हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, घनत्व कम हो जाता है अगर गर्म करेंगे तो। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन यूज होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, तो एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतम होता है इसलिए वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तापमापी देखेंगे, विभिन्न तापमापी देख लीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी, ठीक है, चमकीला और ताप के मान को पढ़ने में आसानी होती है इसमें। ठीक है, यह कांच में चिपकता नहीं है और ना ही वाष्पित होता है, अतः सही मापन करता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जहाँ न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है वहाँ पर पारे युक्त तापमापी प्रयोग न करके एल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है जबकि एल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब यहाँ से गति वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो गति को हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर न्यूटन वगैरह की सारी गतियाँ सब दी रखी हैं, तो गति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ताकि हम ये पूरी PDF बहुत ही जल्दी कवर करवा दें। देखिए 9 पेज हो गए हैं 3 वीडियो में, ठीक है। ये करीब 10 वीडियो में आप लोगों को मतलब 10 घंटे का वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है, 30 लेक्चर में करीब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।